आज हमने बेटा लीनियर इक्वेशंस को हमने रिवाइज करेंगे, वी विल रिवाइज लीनियर इक्वेशंस टुडे। फॉर लीनियर इक्वेशंस में भी मेनली हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को बेटा रिवाइज करेंगे, लीनियर इक्वेशंस में हम वर्ड प्रॉब्लम्स को रिवाइज करेंगे। अब ओके लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड। मैंने इसलिए आपको पहले मैसेज डाल दिया था कि एलिमिनेशन मेथड को रिवाइज कर लेना, सो दैट हमें जब इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो तब उस केस में प्रॉब्लम ना हो। सपोज आपके पास एक इक्वेशन है बेटा 2x + 3y = 6, सेकंड इक्वेशन है x - y = 2, फर्स्ट इक्वेशन 2x + 3y = 6, सेकंड इक्वेशन इज x - y = 2, सॉल्व बोथ द इक्वेशंस टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। प्लीज सॉल्व बोथ द इक्वेशंस। ये बच्चा कह रहा सर कुछ भी पूछ लो लीनियर इक्वेशन से सब आता है, 100 में से 200 तो ले ही आऊंगा। शाबाश आदित्य चड्ढा। अब यहां पे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोग किसी एक वेरिएबल को बेटा चूज करेंगे जिसको हमें रिमूव करना है। वी हैव टू चूज ईदर x और y। आई एम चूजिंग y टू एलिमिनेट, तो ऊपर y का कोएफिशिएंट 3 है, नीचे y का कोएफिशिएंट 1 है। सो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। सेकंड इक्वेशन को तो 1 से गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई उल्टा करना होता है, मल्टीप्लाई हमने उल्टा करना है, कोएफिशिएंट सेम चाहिए, तो नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस विल रिमेन सेम, 2x + 3y = 6, सेकंड इक्वेशन 3x - 3y = 6। y को एलिमिनेट कर रहा हूं, y के पास दोनों ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन में क्या करते हैं ऐड, तो मैंने प्लस करना है, मैंने क्या करना है बेटा प्लस करना है, यहां पे प्लस है और मैंने प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, मैंने प्लस और यहां पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यहां पे साइन क्या आएगा प्लस का, तो 2 + 3 5x, 3 minus 3 cancel, 6 plus 6, 6 plus 6 is equal to 12, x की value 12 by 5 आ रही है, x की value 12 by 5, एक बच्चे का message आया सर एक बार 1, एक बार आया 2, तो check कर लो finally क्या है, 12 by 5, और 12 by 5 को किसी भी equation में substitute कर लो, सेकेंड इक्वेशन इज मोर इजी टू सॉल्व, x माइनस y इज इक्वल टू 2, 12 बाय 5 माइनस y इज इक्वल टू 2, 2 को लेफ्ट पे ले आओ, y को राइट पे ले जाओ, एलसीएम ले लो 5, दिस इज 12 माइनस 10, दिस इज 2 बाय 5, तो y की वैल्यू हमारे पास आती है बेटा 2 बाय 5, क्रॉस चेक, काव्य वेरी गुड, वेरी गुड आदित्य चड्ढा, छड्डा ब्रदर्स आर रॉकिंग टुडे, ब्रदर एंड सिस्टर एक ही बात है। ओके ओके ग्रेट। अब इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करता तनिष, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, और इसलिए बेटा मैंने आपको मैसेज डाला दोपहर को कि वीडियोस पे एक बार एलिमिनेशन मेथड को सिर्फ आप एक बार देख लेते हैं। अब ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन 2x + 3y = 6, x - y = 2। जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो कोई भी एक इक्वेशन को पिक करेंगे, तो ध्यान देना सेकंड इक्वेशन को पिक कर लेते हैं, यहां से अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो ये कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपके पास 2 + y, x = 2 + y। अब ये x की वैल्यू कहां पुट कर दो तनिष, फर्स्ट इक्वेशन में, इक्वेशन है 2x + 3y = 6, x की वैल्यू 2 + y + 3y = 6, 4 + 2y + 3y = 6, 5y = 6 - 4, 5y = 2, that means y = 2y, y is equal to 2 by 5, clear? आंसर सेम ही आएगा, कोई भी मेथड यूज करो,
यूज एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। वाई आ गया, वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो एक्स आ जाएगा। घर वाइल सॉल्व नहीं करना है बेटा, आप सिर्फ देखे जा रहे हो कैमरा पे, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12 बाय 5, एक्स इज इक्वल टू 12 बाय 5। नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। Now, further ahead, cross multiplication नहीं, cross multiplication अभी रुक जाते हैं, not today cross multiplication, अभी पहले सिर्फ word problem से focus करें, जिनको हमने आज cover up करना है, तीन दिन लेंगे, तीन दिन में revise करेंगे इस chapter को। अब यहाँ पे question numbers के आसान से आते भी नहीं exam में, इसलिए मैं करवा भी नहीं रहा। सीधा टू डिजिट नंबर से स्टार्ट करते हैं, टू डिजिट नंबर। अब टू डिजिट नंबर में कैसे सॉल्व करते हैं, अब आपके पास कोई भी एक बेटा टू डिजिट नंबर होता है तो उसमें वंस भी होता है और टेंस भी होता है, तो हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो एक्स है और जो आपके पास वंस प्लेस पे डिजिट है वो वंस डिजिट कौन सा हमारा वाई है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर अगर 54 है, एक्सपैंडेड फॉर्म में आप कैसे लिखते हो 5 × 10 + 4, अगर आपके पास नंबर है 96 तो कैसे लिखोगे 9 × 10 + 6, अगर आपके पास नंबर है xy तो क्या लिखोगे x × 10 + y, जो कि क्या बन जाएगा 10x + y बन जाएगा। इज दिस क्लियर गुरजते रोनित, इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। और अगर डिजिट को उल्टा कर देंगे तो ये yx हो जाएगा, क्या बन जाएगा 10y + x, तब उस केस में क्या बन जाएगा 10y + x। वेरी गुड, ये था हमारा xy के लिए, ये था हमारा yx के लिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 12, तो कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, लेट द डिजिट एट टेंथ प्लेस, लेट द डिजिट एट टेंथ प्लेस बी एक्स, लेट द डिजिट एट वंस प्लेस बी वाई। टेंथ प्लेस पे एक्स है, वंस प्लेस पे वाई है, तो इस केस में नंबर क्या बन जाएगा बेटा, द नंबर इज एक्स वाई। तनिष्क क्लियर है बेटा, तो हमारे पास डिजिट नंबर क्या बन जाएगा, एक्स वाई बन जाएगा। आपको पहली स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स इज 12, द सम ऑफ द डिजिट्स इज 12, एक्स प्लस वाई दोनों का सम कितना है 12 है, सो एक्स प्लस वाई इज 12। क्लियर टू ऑल, आगे आपको क्या बोल रहा है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द टू डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। अब आपके पास नंबर क्या है एक्स वाई, क्या कर रहा है डिजिट को इंटरचेंज कर दो, डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, तो जब डिजिट को इंटरचेंज मतलब कि अगर नंबर 54 है डिजिट को इंटरचेंज कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। So in this case, अगर नंबर एक्स वाई था डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये y x बन जाएगा। अब आपको बोलना है, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज द न्यू नंबर एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय, एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 18, मतलब कि नया नंबर पुराने वाले नंबर से 18 ज्यादा है, तो yx is equal to xy plus 18, yx की वैल्यू क्या होगी 10y plus x, xy की वैल्यू 10x plus y plus 18, दोनों डिजिट्स को लेफ्ट पे ले आओ
10y plus x minus 10x minus y is equal to 18. 10y minus y 9y minus 9x is equal to 18. पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा y minus x is equal to 2. y minus x is equal to 2. क्लियर है सबको? आपको क्या बोल रहा है? इंटरचेंज नंबर एक्सीड्स द गिवन नंबर. इंटरचेंज नंबर एक्सीड मतलब ज्यादा है किससे? ओरिजिनल नंबर से. कितना ज्यादा? 18. इंटरचेंज नंबर ओरिजिनल नंबर प्लस 18. ठीक है, नोट करना जाता. अब इसके बाद दो इक्वेशन आ गई है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो. दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है. व्हाट इज द आंसर? x इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 7. वेरी गुड. तो हमारे पास है x plus y is equal to 12. दूसरी इक्वेशन है minus x plus y. minus x plus y is equal to 2. तनिश, x के पास कोफिशिएंट सेम है, ऑपोजिट साइन है. तो जब कोफिशिएंट सेम होंगे और ऑपोजिट साइन होगा तो हम लोग क्या करेंगे? एड. तो मैंने क्या करना है? प्लस. यहाँ पे साइन क्या है? माइनस. तो प्लस मेरे वाला और ये माइनस. प्लस माइनस माइनस. प्लस प्लस प्लस. यहाँ पे प्लस. 2y is equal to 14, y is equal to 7. y is equal to 7. y की वैल्यू 7 गिवन इक्वेशन में पुट कर दो. तो आपके पास x आ जाएगा, x is equal to 5. x is equal to 5. नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स. हर्ष जैन डन. ग्रेट. Very good. Good, good, good. Very good. Great. सभी ने ऑलमोस्ट कर लिया, बहुत ही अच्छी बात है. अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? अब हम एक करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 4. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 12 सॉरी 9. द सम ऑफ द digits of a two digit number is equal to 9. Further, if 27 is added to the number, the digits get reversed. Almost same question. Tens pe x, ones pe y, number ho jayega x, y. Sum of the digits is bar aapko given hai 9. So x plus y ki value aa jayegi 9. Ab aapko aage kya bol raha hai? Agar इसी ओरिजिनल नंबर में 27 को ऐड कर दोगे तो डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी. तो क्या बन जाएगा हमारा? y x बन जाएगा. x y की वैल्यू 10x plus y plus 27. y x की वैल्यू 10y plus x. सबको लेफ्ट में ले आओ तो 10x plus y plus 27 minus 10y minus x is equal to 0. 10x minus x 9x माइनस 9y प्लस 27 इज इक्वल टू 0. पूरे इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दो. x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 जो कि हो जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3. x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3. फर्स्ट इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 9. x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3. तनिश, अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करने अभी नहीं आती है तो डज नॉट मैटर. आप इक्वेशन फॉर्म करनी सीख लो पहले. आप इक्वेशन फॉर्म करनी सीख लो. आपकी अगर फर्स्ट क्लास आई है तो बाकी का प्रोसेस मैं आपको बाद में करा दूंगा. सेकेंड इक्वेशन हमारे पास x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3. अगर मैं यहाँ पे y को एलिमिनेट करता हूं, y के पास ऑपोजिट साइन है. ऑपोजिट साइन में हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे. तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस. दिस गेट्स कैंसिल्ड. 2x इज इक्वल टू 6. x इज इक्वल टू 3. x इक्वल टू 3 वापस सब्स्टिट्यूट कर दो. x प्लस y इज इक्वल टू 9. 3 प्लस y इज इक्वल टू 9. y इज इक्वल टू 6. तो आपके पास नंबर
नंबर क्या फॉर्म हो जाएगा? 36 फॉर्म हो जाएगा. द नंबर इज 36. वेरी गुड, सभी का हो चुका है. अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, रीड करिए. आपको बोल रहा है द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज इक्वल टू 110. द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 110. तो कह रहा है एक नंबर है और उसका इंटरचेंज वो दोनों मिला के हमें कितना आंसर आ रहा है? उसका 110 आ रहा है. तो यहां पे आपको गिवन है नंबर एक्स वाई है, इंटरचेंज जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? वाई एक्स. और दोनों का सम कितना हो जाएगा? 110. एक्स वाई होता है 10x प्लस वाई, वाई एक्स होता है बेटा 10y प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 110. 10x प्लस एक्स 11x, वाई प्लस 10y 11y इज इक्वल टू 110. 11 से डिवाइड कर लो पूरी इक्वेशन को तो x plus y आपके पास 10 आ जाएगा. क्लियर? तनिष, गुरदित्य, रोनित, कार्तिक, सभी को क्लियर है? आगे आपको बोल रहे हैं इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर द न्यू नंबर इज 4 times the 5, 4 more than 5 times the sum of the digit. क्या बोल रहा है? Complicated है. अगर given number में से 10 को subtract कर दोगे तो जो number बन जाएगा वो 4 more than, 4 ज्यादा है, 4 plus किससे? 5 times the sum of the digit. 5 times the sum of the digit. पार्थसूद, क्लियर? रौनक, तरन, तरन के स्कूल में टेस्ट भी हो चुका है. यहां पे आपको बोल रहे हैं 10 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर द न्यू नंबर इज 4 मोर देन 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स. सॉल्व करिए और x और y की वैल्यू निकालिए. इसको सॉल्व करके xy को हम यहां पे लिखेंगे 10x plus y minus 10 is equal to 4 plus 5 से multiply करो 5x plus 5y. further मैं सारे variables को left पे ले जाता हूँ, constants को right side पे, ये हो जाएगा 10x plus y minus 5x minus 5y is equal to 4 plus 10 which is equal to 4 plus 10. 5x minus 4y is equal to 14. 5x minus 4y is equal to 14. Cross check यही equation आ गई सबकी? यही equation आ गई. दो equation हो गई. दोनों equation को solve कर लो. We have x 5x minus 4y is equal to 14. First equation is x plus y is equal to 10. सर 10 लिख दो इंस्टेड ऑफ x एंड y. कहां लिख x y? सर 10 लिख दो इंस्टेड ऑफ x y है बेटा, ये x है, x y नॉट 10. नाइटिंग थोड़ी अच्छी है हमारी. अब यहाँ पे y को अगर हम एलिमिनेट करेंगे तो y को एलिमिनेट करने के लिए नीचे वाली इक्वेशन को 4 से और ऊपर वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x minus 4y is equal to 40, 4x plus 4y is equal to 40. y के पास ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन में ऐड करते हैं तो हो जाएगा 9x is equal to 54
54 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6. ओके, अब x की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में. x plus y 10 है, 6 plus y 10 है, y is equal to 4, तो नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 64. The number that we get is 64. Clear? Next. सबका ने कर लिया बेटा ये, या कोई अभी भी नोट कर रहा है? I hope this is clear. Done. Somewhere done. Anirudh. Done. इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. ये भी आसान सा है, तो ये खुद ही कर लेना. बाकी तो सारे सेम, बाकी सारे सेम एंड सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो कि आप लोग अब खुद सॉल्व करेंगे, जो कि आपको दोबारा से खुद सॉल्व करने हैं बेटा प्रैक्टिस में. अब हम अगली टाइप पे मूव करते हैं. आई होप तनिष, कार्तिक, आप लोगों को समझ आ गया. जो भी डाउट है जितने चैट बॉक्स में डाल दीजिए. सेवेंथ वाला क्वेश्चन आदित्य कह रहा है सर अच्छा क्वेश्चन है. ओके, तो सेवेंथ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सेवेंथ का बोल रहा है आपको द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स इज 99. तो आपके पास ऐसा कुछ लग नहीं रहा, बट कोई बात नहीं. एक्स वाई प्लस वाई एक्स हमारे पास 99 है, नो प्रॉब्लम. आदित्य अब यही वाला कर लेते हैं बेटा. अब मैं फोन को ओपन करूं, उससे बेटर तो यही. तो दिस इज 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99. पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई आपके पास 9 आ जाएगा. बेटा रिजर्व लिखा है वो रिवर्स होगा. आगे आपको बोल रहा है इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3, इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3, तो मैं यहां नेट करके चलता हूं कि x अगर y से बड़ा है तो x माइनस y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा. दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो. यहां से x इक्वल टू 3 सॉरी 6 एंड y इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो नंबर आपके पास बन जाएगा 63. नंबर आ जाएगा आपके पास 63. इज दिस क्लियर? बट आई एम नॉट गेटिंग इट. किसी बच्चे का यहां तक रह गया हो तो पूछो. किसी बच्चे का कोई डाउट? जपनीत, इशरत, रंजन, कोई डाउट बेटा? प्रप्रीत, ग्रेट. ओके, ये वाला अभी नहीं होगा बेटा आदित्य. ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर कोर्स है, रिलेटेड है, इसलिए वाला नहीं करा हुआ हमने. अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा फ्रैक्शन प्रॉब्लम्स. अब हमारे पास फ्रैक्शन प्रॉब्लम्स है. आई होप सबको पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है. एवरीवन नोज व्हाट इज फ्रैक्शन. एक फ्रैक्शन के अंदर आपके पास न्यूमरेटर भी रहता है और डिनोमिनेटर भी रहता है. तो कभी भी फ्रैक्शन वाला आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप ये नहीं लिखेंगे कि लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई. आप क्या लिखेंगे? लेट द
द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी एक्स एंड वाई. तो आपके पास न्यूमरेटर एक्स है डिनोमिनेटर वाई है तो फ्रैक्शन क्या फॉर्म कर लेगा ये फ्रैक्शन आपका फॉर्म करेगा एक्स अपॉन में वाई. इज दिस क्लियर इट विल फॉर्म एक्स अपॉन में वाई. तो सारे के सारे क्वेश्चंस फ्रैक्शंस वाले हमारे अप्रोक्सीमेटली 5 ही क्वेश्चंस है ये हम लोग सॉल्व करेंगे. 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 3 आपके होमवर्क में है. ऐसे ही जो 2 डिजिट वाले आपके 10 क्वेश्चन थे 3 हमने सॉल्व कर दिए बाकी 7 आपके होमवर्क में. सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आपको बोल रहा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 बाय 11. तो कोई भी एक फ्रैक्शन है x बाय वाई ये 9 बाय 11 बन जाएगा. कब बन जाएगा ये इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. अब न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2 दोनों जगह 2 ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 9 बाय 11. क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी 11x plus 22 is equal to 9y plus 18. इक्वेशन हो जाएगी 11x minus 9y 22 राइट पे जाएगा जो जाएगा माइनस. क्लियर द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी गेट इज 11x minus 9y is equal to minus 4. 11x minus 9y is equal to minus 4. Next, if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. अब 2 की जगह अगर मैं 3 ऐड करूंगा तो फ्रैक्शन 5 by 6 बन जाएगा. x plus 3 upon y plus 3 is equal to 5 by 6. क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ x plus 3 is equal to 5 टाइम्स ऑफ y plus 3. 6x plus 18 is equal to 5y plus 15. 6x minus 5y 18 को राइट पे ले जाएंगे 18 को राइट पे ले जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस 3. 18 को राइट पे ले जाएंगे माइनस 3. अब क्या करें दोनों ही क्वेश्चन आ गए हैं दोनों को सॉल्व कर लीजिए लीनियर एलिमिनेशन मेथड से. हमारे पास 11x minus 9y is equal to minus 4 upon में 6x minus 5y is equal to minus 3. सॉल्व कैसे करें y को एलिमिनेट कर लो. y को एलिमिनेट करने के लिए कोएफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे. फर्स्ट इक्वेशन को 5 से सेकंड इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 55x minus 45y is equal to minus 20. 54x minus 45y is equal to minus 27. ऑपोजिट साइन सेम साइन है वाई के पास सेम साइन में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे सारे ऑपोजिट साइन लग जाएंगे 55 minus 54 which is equal to x is equal to minus 20 plus 27 is equal to 7. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 7 आ जाएगी. x is equal to 7. अब x की वैल्यू 7 किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे six x minus 5y is equal to minus 3. 6 into 7 minus 5y is minus 3. 42 minus 5y minus 3. 42 plus 3 is equal to 5y. 45 is equal to 5y. So we get y is equal to 9. Y is equal to 9. जब y 9 आ जाएगा
तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा 7/9, 7/9 शेयर्ड इन दी टेलीग्राम। बच्चे कह रहे सर टेलीग्राम पे असाइनमेंट दोबारा से भेज दो, असाइनमेंट शेयर। एनीवन लेफ्ट बेटा, किसी का कोई डाउट, किसी का डाउट नहीं है क्या? सब आता है, सब आता है, सब कुछ। विनीत, विनीत, प्रप्रीत, तरन, कोई डाउट ही नहीं है, क्या बात है सर। टेस्ट ले लो चैप्टर में, क्या बात है, बढ़िया भाई। चार चैप्टर तो हो ही गए हैं, चारों चैप्टर का टेस्ट हो जाएगा, फिर तो रिवाइज करवा दिए वाला चैप्टर। ये वाला चैप्टर हमें 3 क्लासेस में रिवाइज कर लेंगे, तो मंडे को फिर एक काम करते हैं, 4 चैप्टर का टेस्ट ले लेंगे हम लोग। हमारे टॉपर बन गए हैं तो नंबर तो टेस्ट में कैसे आएंगे तब पता चलेगा ना। अब लास्ट वाला क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फ्रैक्शन का क्वेश्चन नंबर 5। आपको बोल रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 11, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 11। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर है x, डिनोमिनेटर है y, न्यूमरेटर है y। आपको बोल रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 11, तो y किसके इक्वल हो जाएगा x प्लस 11 के, फर्स्ट इक्वेशन। फर्दर आपको क्वेश्चन में गिवन है इफ 8 इज एडेड टू बोथ, if 8 is added to both its numerator and denominator the fraction reduces to 1/3। agar numerator and denominator mein dono mein 8 add kar denge to aapka 1/3 ban jayega, x plus 8 upon y plus 8 you get 1/3 cross multiply, this is 3x plus 24 is equal to y plus 8, 3x plus निकाल करते हैं 8 को लेफ्ट से ले आते हैं ये 16 हो जाएगा, तो y सेकंड इक्वेशन से आ गया 3x plus 16, फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू और ये x plus 11, दोनों तरफ से y आ रहा है, इक्वेट कर दो दोनों को जिससे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 3x plus 16 इज इक्वल टू y की वैल्यू है यहां पे x plus 11, 3x minus x 2x is equal to minus 5, x is equal to minus 5/2, यही आ रहा है, क्रॉस चेक एवरीवन, यही आ रहा है सबका। आदित्य चड्डा, काव्य चड्डा, वंच आहूजा, क्रॉस चेक करो, ये आंसर आ रहा है, क्रॉस चेक। यस आंसर यही आ रहा है। एंड अगर इस टाइप का आ गया मतलब एक साथ एक नंबर था, डिजिट था, नेगेटिव आ सकता है लेकिन फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, मतलब क्वेश्चन नहीं एरर है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, काट देना भाई, याद रखना ये क्वेश्चन गलत है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार मैं अपना मार्क कर ही देता हूं, फिर इस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, नहीं तो हर बार टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। फर्दर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहा है इन अ गिवन फ्रैक्शन if the numerator is multiplied by 2, question number 4, fraction हमारा x upon y ही है, numerator x है, denominator y है, आपको बोल रहा है if the numerator is multiplied by 2,
If the numerator is multiplied by 2 and the denominator is reduced by 5, we get 6 by 5. और डिनोमिनेटर से अगर 5 कम करेंगे यू गेट 6 बाय 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 10x इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ y माइनस 5 10x इज इक्वल टू 6y माइनस 30 10x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 30 सबकी फर्स्ट इक्वेशन सेम बन गई है बेटा फर्स्ट इक्वेशन सेम आ गई सबकी इसके आगे आपको अगले पार्ट में बोल रहा है इसी के बट इफ द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 8 एंड डिनोमिनेटर इज डबल्ड कह रहे हैं आप अगर डिनोमिनेटर को 8 बढ़ा दो और न्यूमरेटर को डबल कर दो न्यूमरेटर को डबल कर दो तो उस केस में जो आपका फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा 2/5 क्रॉस मल्टीप्लाई 10x इज इक्वल टू 2y प्लस 16 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 16 पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो सर डिनोमिनेटर इज डबल ये हमने उल्टा कर दिया यहां पे बोल रहा है इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय ओके न्यूमरेटर x प्लस 8 डिनोमिनेटर इज डबल मतलब 2y ठीक कर लेना बेटा इसको क्रॉस चेक ये हमारा बन जाएगा 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 4y 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 40 दो इक्वेशन आ गई दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 10x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 30 सेकेंड इक्वेशन 4x 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40 x को एलिमिनेट कर लो x को एलिमिनेट करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 30 10x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 80 x के पास सेम साइन पे सब्ट्रैक्ट करते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑपोजिट साइन लगेंगे माइनस 6 प्लस 2y 8y 2y माइनस 30 प्लस 80 50 दैट इज y इज इक्वल टू 25 क्रॉस चेक y इज इक्वल टू 25 क्रॉस चेक ठीक आंसर आया बिल्डिंग का सेम आ गया अब इसकी वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करी किसी इक्वेशन में 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40 राइट साइड पे ले जाएंगे 60 x इज इक्वल टू 12 तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 12/5 सॉरी 12/25 वेरी गुड ग्रेट अच्छा ये एंड में नजर नहीं आ रहा होगा एक्स इक्वल टू 12 लिखा है और यहाँ फ्रैक्शन 12/25 है बेटा फर्दर आज हमने दो टाइप कंप्लीट कर लिए हैं एक तो टू डिजिट नंबर और एक ये आपका फ्रैक्शन फ्रैक्शन में दो कर लिए तो बाकी जो दो बचे हैं ये होमवर्क में हैं एंड और क्या करोगे आप इसी असाइनमेंट में ये नो सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ये वाले क्वेश्चन जिसमें सिर्फ और सिर्फ पहले 11 क्वेश्चन करने हैं आपको फर्स्ट 11 क्वेश्चंस आर फॉर होमवर्क फर्स्ट 11 क्वेश्चंस आर होमवर्क सौम्य अगर सर मेरा आंसर अलग आ रहा है आंसर अलग आ रहा है आज का होमवर्क है हमारा एक तो जो टू डिजिट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सारे करने हैं फ्रैक्शंस वाले सारे करने हैं फिर जो पेज नंबर 1 पे नो सॉल्यूशन इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन जितने भी हैं उनके पहले 11 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं
First 11 questions to be solved. हाँ बेटा ये x की वैल्यू 12 भी आ रही है, x इक्वल टू 12 आ रहा है, वो मैंने राइट साइड पे लिख दिया था विजिबल ये बोर्ड पे आपको कैमरा में, ठीक है। होमवर्क जिसने लिख लिया मेरे को भेज देना, एक दो बच्चों ने अभी भी होमवर्क नहीं लिखा तो उनको साथ शेयर कर दिया जाएगा।